फूड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवेल्पमेंट इन पाकिस्तान जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो ये बेसिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इन द इकॉनॉमी ऑफ पाकिस्तान इनफैक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर डिवेल्पिंग इकानमीज जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिकली ये दोनों बड़ा की रोल प्ले करते हैं इन द नेशनल डवेल्पमेंट अगर हम रूरल पॉपुलेशन शेयर की बात करें इन पाकिस्तान तो इट्स शेयर इन टोटल पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी थ्री परसेंट और आपका जो एग्रीकल्चरल अगरि, सेक्टर है इट कम ऑफ क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक पोल्ट्री फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री दीज आर दब सेक्टर्स दैट लाई अंडर द एग्रीकल्चरल सेक्टर जब हम एग्रीकल्चरल शेयर की बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो अनटिल अर, अराउंड नाइंटी सिक्स डेज ये जो शेयर था एग्रीकल्चरल सेक्टर का इन द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट फिर जो एक और भी हम बात करते हैं कि जब हम रूरल सेक्टर की बात करते हैं वो यूजुअली कैटेगराइज इट अंडर टू सब सेक्टर्स फॉर्म सेक्टर्स एंड नॉन फार्म सेक्टर और आपको याद हो हमने कभी बात की थी कि जी जो आपके पास इम्प्लॉयमेंट है उसकी डिटर्मिनेशन में बड़ा की रोल प्ले करता है आपकी नॉन फॉर्म इनकम अगर हम इसी चीज़ को आप कह लें जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टोटल जीडीपी है हमने इस डायग्राम में ये चीज़ आपको एलेबरेट कर रहे हैं फॉर द टाइम पीरियड फॉर द डेटा पर्यटे डेटा फ्राम नाइनटीन सेवनटी थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये जो यहाँ पे मेरे पास सबसे लोअर लाइन है जो आप कह लें नाइनटीन सेवनटी थ्री में भी अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी परसेंट के करीब थी और नाइन इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बेटीज अप्रोक्सी अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू ट्वेंटी ये डिनोट कर रहा है आपका शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन टोटल जीडीपी और ये जो आप एक लाइन रेड कलर की आपके पास दो लाइंस के दरम्यान में लाइक like कर रही है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ये शेयर कहाँ पे चला गया क्या जो आप जब मैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू के रेफरेंस में इस डेटा की बात करता हूँ तो ये वैल्यू आप कह लें क्लोज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू ट्वेंटी थ्री इसके करीब ये लाइव कर रही है कि 22, 23 2022. जब आप सर्विसेज सेक्टर की बात करते हो तो ये जो है इट इन इंडिकेट्स अ इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर पीरियड फ्रॉम से इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका ऑलमोस्ट ट्रेगनेंट रहा फॉर लास्ट फिफ्टी इयर्स कि देर इज नो चेंज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द टोटल जीडीपी और जो आपके पास एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर था इन लास्ट फिफ्टी ईयर ये मुझे यहाँ पे एक डिक्रीज डिक्रीजिंग ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं और जो, जो लेकिन जो सर्विस सेक्टर है इसका शेयर इन टोटल जीडीपी इन इंक्रीज हुआ ओवर लास्ट फिफ्टी ईयर्स जब हम शेयर ऑफ एग्रीकल्चर की इन जी की बात करते हैं इन ट्वेंटी इन इन रीसेंट पास्ट तो मेरे पास है इट इज ट्वेंटी थ्री परसेंट और जो आपका इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर का शेयर है इट इज अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी सेवन परसेंट लेकिन अभी भी क्या है कि एग्रीकल्चर इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन द इकोनमी ऑफ पाकिस्तान जो कि एक मेजर पोर्शन को मेजर पोर्शन ऑफ लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है फिर इसी तरह ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर इट प्रोवाइड फूड इट 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 सप्लाईज फूड इन द इकोनोमी ऑफ पाकिस्तान क्या आपकी हमारी पॉपुलेशन तो आप कह लें बड़ा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है कि अलोंग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो आपके पास फूड सप्लाईज हैं वो कहां से आ रही है कि उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है हम, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की फिर ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट इज बेसिकली अ मार्केट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूसड बाई इंडस्ट्रियल सेक्टर हाँ जी कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के इसमें अगर फॉर्म मशीनरी की हम बात करें हम फर्टिलाइजर्स की बात करें ये सब क्या है दीज आर द इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट और ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी आप जो भी आपके पास फार्म इम्प्लीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसेक्टीसाइड्स प्रोड्यूस कर, कर रहे हैं Pesticides कर रहा है तो इन सब की मार्केट भी कहां पे है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इज बेसिकली अ मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फिर इसी तरह ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर जी टेक्सटाइल सेक्टर को कॉटन कहां से आ रही है फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर आपकी शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन कौन सप्लाई कर रहा है अगेन एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर आपके पास मेज़ की भी सप्लाई है इन द इंडस्ट्रियल इन द दीकल्चर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू प्रोड्यूस डिफरेंट फूड आइटम्स और वो आप कह लें जो आपके पास मेज है वो यूज हो रही है फॉर द दर्परेशन ऑफ पोल्ट्री फीड भी यूज हो रहा है वो वो आपके पास यूज हो रहा है फॉर दाइफ स्टॉक फीड भी आप कह लें यूज हो रहा है कि अगेन ये सारे आपके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं फ्रॉम क्रॉप सेक्टर या फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द इकोनोमी और ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर इट इज आल्सो ऑल्सो सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जब बाय एक्सपोर्टिंग कॉटन राइस फिश फ्रूट्स एंड मीट पाकिस्तान इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और आपके पास जो आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम बात करें तो वहां पर आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और उसमें भी कौन सा इनपुट यूज हो रहा है आपके पास कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बाई एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर इसके साथ साथ जो और बड़ा एक आपके रूरल सेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज नॉन फॉर्म इनकम और ये जो नॉन फॉर्म इनकम है इट हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर इन टोटल रूरल हाउस होल्ड इनकम एंड इट अराइजेज फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट अंडर नॉन इन नॉन फॉर्म रूरल सेक्टर हाँ जी कौन सी सर्विसेज हैं आपके विलेजेस में जो शॉप्स हैं जो इक्विपमेंट रिपेयर शॉप हैं, अगर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, स्मॉल स्केल पे अगर कोई भी प्रोसेस रूरल प्रोसेसर है कि कोई आपके पास मिल्क प्रोसेसर है वहां पे, कोई फूड आपके पास फ्रूट प्रोसेसर है तो ये सब भी क्या हैं? आर ऑल नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इन आवर रूरल सेक्टर्स और ये सब भी क्या करेंगे अगेन इट क्रिएट्स इनकम और जो इनकम है इट प्लेज इट्स अ रोल इन द रूरल डेवेल्पमेंटाइड एग्रीकल्चर इट इज दॉन फॉर्म इनकम इन द रूरल सेक्टर दैट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इन द रूरल डेवेलपमेंट ऑफ पाकिस्तान अब इस टेबल में हम यहां पर आप कह लें रिपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप सेक्टर लाइफ स्टॉक सेक्टर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इन द टोटल एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर हम इस ब्रेकअप को देखें तो हमें एक चीज आपके लिए इंडिकेट हो रहा है कि इन ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो आपके पास क्रॉप सेक्टर का शेयर था इन दोटल टोटल जीडीपी इट इज जो आपके क्रॉप सेक्टर का शेयर था इन टोटल जीडीपी इट इज अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट एट परसेंट और जो आपके पास लाइव स्टॉक था इसका शेयर था फोर्टीन पॉइंट फोर परसेंट यह मैं बात कर रहा हूं विद रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू टोटल जी डी पी ऑफ पाकिस्तान और इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर टोटल जी डी पी में था अराउंड नाइनटीन परसेंट वेल दर्विज सेक्टर कंट्रीब्यूटी एट परसेंट इन दी डी पी ऑफ पाकिस्तान अगर हम इस जो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन थी जी डी पी में अगर हम इसका ब्रेकअप करें अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर तो जो मेरे पास 23% थ्री परसेंट कंट्रीब्यूशन हुई थी जीडीपी में फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर इसमें से अप्रोक्सीमेटली थर्टी फोर परसेंट कंट्रीब्यूशन आई थी फ्रॉम क्रॉप सेक्टर और जो आपके पास अराउंड सिक्सटी थ्री परसेंट कंट्रीब्यूशन आई थी फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेक्टर तो मैं कह सकता हूं जो आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर है दैट हैज ऑलमोस्ट डबल कंट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू क्रॉप सेक्टर और फिर इसी पैटर्न पे फॉरेस्टर और फिशिंग का करूं तो इनका बड़ा अब कहले माइनर शेयर था इन दी एग्रीकल्चरल इन दी इन दी एग्रीकल्चरल जीडीपी अब अगर यहाँ पे इस टेबल पे हमने आप कहले हमने रिपोर्ट किया है जीडीपी अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स और यहाँ पे हम जो रिपोर्ट करें दैट इज द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी डी एवरेज ग्रोथ रेट के इन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम 1980 टू नाइनटीन नाइनटी आपका जी डी पी ग्रो किया अप्रोक्सीट और यहां पे जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर था ये ग्रो किया बाई फाइव पॉइंट फोर परसेंट और टाइम पीरियड जब 1990 टू 2000 के रेफरेंस में हम अगर बात करें तो आपका जीडीपी ग्रो की ऑन एवरेज फोर पॉइंट सिक्स परसेंट से जबकि एग्रीकल्चरल सेक्टर आपका ग्रो किया अप्रोक्सीमेटली बाई फोर पॉइंट फोर परसेंट लेकिन अगर हम ये सारी डिस्कशन करें विध रेफरेंस टू लास्ट टू डिकेट तो यहां पर आपके पास जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था फर्स्ट डिकेट ऑफ द्रंट सेंचुरी यह ग्रो किया टू पॉइंट फोर परसेंट के हिसाब से और जो लास्ट डिकेट थी मेरे पास ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी इसमें यह ग्रो किया बाई टू पॉइंट फोर फाइव परसेंट अब ये इस ग्रोथ रेट को अगर हम देखें तो ओवर लास्ट फोर डिकेड्स हम कह सकते हैं देयर इज अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर और ये जो कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट हैज इम्प्लीकेशन ऑन इन द रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान और अगर आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर बेटर परफॉर्म नहीं करेगा प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा तो इसकी इंप्लीकेशन आएंगी ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो हमारे पास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं दे देयर इज दिस डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर हाँ जी नाइनटीन सिक्सटीज़ में तो एक ग्रीन रेवोलूशन की वजह से देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन अगर अब हम आज की बात करें अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर तो हम वहां पे अब कह लें बड़ा एक सिग्निफिकेंट गैप देख सकते हैं विद रेफरेंस टू अदर नेबरिंग इकोनॉमीज ऑफ पाकिस्तान अगर हम वीट की बात कर लें हम कॉटन की बात कर लें हम राइस की बात कर लें और हम इसका कंपेरिजन कर लें विद The production that is carried out by China के नाइनटीन में तो आप कह लें ये दोनों इकोनॉमीज में जो प्रोडक्टिविटी थी ऑफ ऑल दिस मेजर क्रॉप्स दिस प्रोडक्शन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर लेकिन अगर हम उस प्रोडक्टिविटी को आजकल के टाइम पीरियड में जाके देखें तो वी कैन ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन चाइना एंड पाकिस्तान तो अब हमें यहां पे क्या जरूरत है देयर इज अ नीड टू एक्सप्लोर द रीजन वाई देयर इज सच आउज प्रोडक्टिविटी गैप कि जी हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे अगर जब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर देयर इज इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान